हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना मल्होत्रा और मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डोसे के लिए आलू की फिलिंग तैयार करेंगे। आइए डोसे के लिए आलू की फिलिंग बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में हमने 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है और ऑयल गर्म करने रख दिया है। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है, ये हमने 5 आलू लिए हैं बॉइल्ड। इसको जब तक ऑयल गर्म हो रहा है, इसको आलू को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं। इस तरीके से बहुत छोटे छोटे पीसेस के तोड़ लेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, ये हमने 1 टेबलस्पून राई ली है, ऑयल में डाल देते हैं। थोड़ी सी राई क्रैकल हो जाएगी, उसके बाद मसाले डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आलू हमने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिए, सारा आलू इसमें मिक्स कर दीजिए। आलू हमने बहुत बारीक तोड़ा है। आधा कप फ्रोजन मटर है, ये भी इसमें डाल देते हैं। एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 टमाटर मीडियम साइज का था, ये हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, ये भी इसमें मिक्स कर देती है। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, इसमें मिला दिया है। आधे चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा नमक है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए। मसाले अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसको 2 मिनट तक इसी तरीके से भून लेंगे। यदि कोई आपको आलू थोड़ा सा बड़ा पीस लग रहा है, उसको झरनी से दबा के उसको छोटा पीस कर दीजिए। आधा कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया है, सारा इसमें डाल देते हैं। आप यदि प्याज इसमें डालना चाहते हैं तो इसी में आप प्याज भी डालकर इसी तरीके से, जैसे अभी हमने हरा धनिया डाला है, आप इसी तरीके से इसमें प्याज डाल के भून लीजिए। डोसे के लिए फिलिंग हमारी बनकर तैयार हो गई है, इसको हम सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। डोसे के लिए आलू की फिलिंग बनकर तैयार हो गई है। नेक्स्ट रेसिपी में हम डोसा और सांभर की रेसिपी बताएंगे। आप हमारी लेटेस्ट रेसिपी देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए और अपने कमेंट्स हमारे संग शेयर करिए। एक बार फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। रचना मल्होत्रा.com।